हेलो एवरीवन, आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर हम लोग मॉलिंग फिशेज का ब्रीडिंग करते हैं तो हम लोग को क्या क्या प्रॉब्लम आता है, या फिर हम लोग से उससे क्या क्या नुकसान मिल सकता है कंटिन्यूसली मॉलिंग फिशेज का ब्रीडिंग करने में। तो आज के वीडियो में बहुत सारे डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं, मॉलिंग फिश का ब्रीडिंग करते करते क्या हो जाता है जिसकी वजह से बहुत सारे ओनर्स लोग अपने टैंक से परेशान हो जाते हैं और एट द एंड ब्रीडिंग करना मॉलिंग फिश का एंड कर देते हैं। तो आज के वीडियो में सब चीज़ के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए आज का जो भी वीडियो है इसको कम्प्लीटली पूरा देखिएगा। बट आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा जिससे कि आपको मैं आने वाला हर वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आप लोग देखते ही होंगे कि ये फिश को मैं काफ़ी सालों से ब्रीडिंग कर रहा हूँ। इस फिश को ब्रीड करना भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, जिसके वजह से भी ये एक टाइम पे आके बहुत बड़ा आप लोग के लिए हेडेक बन जाता है। अब ये हेडेक क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर आप ये फिश को अपने टैंक में डालिएगा, जैसे भी डालिएगा, और अगर आपको एक बार भी इसका ब्रीडिंग करने का साइकिल समझ में आ जाता है कि ये ब्रीडिंग आखिर होता कैसे, तो आप देखिएगा धीरे 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 करके ये अपनी क्वांटिटी को उस टैंक में बहुत ज़्यादा बढ़ा लेगी, बहुत ज़्यादा, वो एकदम कम्प्लीटली उस टैंक को एकदम कैप्चर कर लेगी। और इसके वजह से फिर क्या होता है, कंटिन्यूसली आप उसमें जो भी प्लांट्स वगैरह, जैसे कि मेरा जितना भी है सब प्लांटेड टैंक्स है, तो लोग प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और वो फिर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाने की वजह से, एक टैंक में बहुत सारा फिशेज हो जाने की वजह से वो लोग फिर टैंक के बाहर में जंप करेगी, आपको बहुत ज़्यादा लोड देगी, मतलब पानी वगैरह चेंज करने के लिए, फिल्टर्स वगैरह का साफ़ सफाई के लिए, आप उतना बेबीज चाहेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आप एक बार सही राइट ट्रैक पर अगर आप उतर जाएंगे तो आप देखिएगा नॉन स्टॉप ये ब्रीडिंग करते रहेंगे, नॉन स्टॉप, और आप भी एट द एंड परेशान हो जाइएगा इतना सारा ये सारे फिशेस का बेबीज को लेके। क्योंकि जैसे कि मैं भी करता हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ को एज अ बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं ना ही सेल करता हूँ इसको, ना ही कुछ भी करता हूँ, तो इसलिए अब मेरे पास भी इतना सारा ये सारे फिशेस का बेबीज़ वगैरह हो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ ये सारे बेबीज़ का क्या करूँ, इसलिए मैं सोचा ये सारा बेबीज़ को मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जो लोग के लिए मैं ये सारा ब्रीडिंग वगैरह करता हूँ, तो वही सारे व्यूअर्स को ये सारा बेबीज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। मेरे पास मॉली फिशेज, कप्पी फिशेज का सबसे ज़्यादा बेबीज़ है, उसके साथ ही साथ मेरे पास बेटा फिशेज का बेबीज़ बहुत सारा हो गया है। ये सारे बेबीज़ को मैं सोच रहा हूँ आप लोग सब जितने भी व्यूअर्स हैं, जो लोग भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार किए, जो लोग भी मुझे इस मुकाम तक पहुँचाए, सबको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी मेरा साइकिल है, वो मेरे पास पहले नहीं था कि मैं कैसे उतना दूर जाकर डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो अब वो सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। तो बस आप लोग के लिए अब जितना भी बेबीज़ मेरा बनता है वो मैं मंथली आप लोग के लिए डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इसके लिए आपको एक छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन है, वो आपको डिटेल में मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये जितना भी चीज़ है ये सब कुछ आप लोग का ही दिया हुआ है, तो होप करता हूँ ये जो भी चीज़ मैं दूंगा वो लोग का भी आप सही से देखभाल कीजिएगा, वरना देने को तो मैं फिश शॉप में भी दे सकता था, लेकिन मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट यही है कि वो सारी फिशेज जो आप लोग तक पहुँच जाए, क्योंकि वो सारा फिशेज आप लोग का ही दिया हुआ, आप लोग का इतना सपोर्ट है जिसकी वजह से मेरा चैनल आज इतना बड़ा ग्रो किया है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो सारा बेबीज़ को मंथली बेसिस में आप लोग के लिए डिस्ट्रीब्यूट करूँ। आप लोगों को जैसे पता है मेरे पास बहुत सारा प्लांटेड टैंक है, जिसमें मैं हर टैंक्स में मैं मॉली फिशेज, गप्पी फिशेज, पेटा फिशेज, ये सारे फिशेज का ब्रीडिंग करता हूँ। और ये सारे का ब्रीडिंग होने के बाद अब ये लोग का बहुत सारा बेबीज बन रहा है, मंथली बन रहा है, जो कि मैं उतना बेबीज भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूँ, सारा बेबीज जो अब इतना सारा फिशेज का मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये आप लोग भी एक हेडेक आ जाएगा एक टाइम पर जब आप मॉली फिशेज, गप्पी फिशेज का ब्रीडिंग कीजिएगा। ये फिशेस नॉन स्टॉप ब्रीडिंग कर सकती है, ये बिना रुके बहुत सारा बेबीज दे सकती है। मतलब कि अगर अभी वो फिश एक बार ब्रीडिंग की है, ब्रीडिंग करने के बाद में अभी वो 50-60 फ्राइज को बर्थ दी है, उसके बाद वो मैक्सिमम 10 डेज का टाइम लेंगे, 10 डेज के बाद में फिर से वो ब्रीडिंग करने स्टार्ट कर देगी, और फिर से वो बहुत ही जल्द ढेर सारा फ्राइज देगी, फिर फ्राइज देने के 10 डेज बाद, 15 डेज बाद, थोड़ा सा टाइम लेती है वो, उसके बाद फिर से वो ब्रीडिंग करती है। और ये पूरा ईयरली जो है ये नॉन स्टॉप चलते रहता है, जो रेगुलर बेसिस में ब्रीडिंग करते जा रहा है, तो एट द एंड आपके पास कितना सारा फ्राइज मिल जाता है। तो वही सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, नॉन स्टॉप कप्पी फिशेज का बेबीज मुझे मिल रहा, जो कि अब मेरे पास भी टैंक का जो है वो बहुत ज़्यादा कमी हो गया है, कि मेरे पास भी अब उतना सारा टैंक नहीं है। ये सारे को मैं बहुत सारे अपने लोकल फ्रेंड्स वगैरह जो लोग हैं वो लोग को मैं दे देता हूँ,
अब मेरे लोकल फ्रेंड्स लोग भी परेशान है। सो फ्रेंड्स, मेरा आप लोग से बस यही एक छोटा सा रिकमेंडेशन है, मौली फिश गप्पी फिशेज का ब्रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर आप चाहते हैं मौली फिशेज या फिर गप्पी फिश का ब्रीडिंग करने का, तो बहुत ही इत्मीनान से कर सकते हैं। कैसे ब्रीडिंग किया जाता है, कैसे फ्राइज का टेक केयर किया जाता है, कैसे हम लोग समझ सकते हैं कब मेरी मौली फिश गप्पी फिश बर्थ देने वाली है, ये सारे चीज़ से रिलेटेड में पहले से बहुत ही सारे डिटेल में वीडियो है। वो सारे वीडियोज़ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। मौली फिश, कप्पी फिश, पेटा फिश, पैरेट फिश, सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है, वो सारे चीज़ में आप जाके चेक कर सकते हैं। बहुत सारा वीडियोज़ मिलेगा जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये जो भी वीडियो था आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुआ होगा। ऐसी मोर फिश रिलेटेड वीडियोज़ के लिए, फिश रिलेटेड कंटेंट्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फॉर बीइंग विद मी, और अब हम लोग जल्दी मिलेंगे मेरे न्यू वीडियो और एक न्यू कंटेंट के साथ।